खंडवा के अपेठिया गांव की स्कूल के एक कक्ष में शिक्षक विद्यार्थियों को मिलावट से बचने के तरीके बता रहे थे। वहीं स्कूल परिसर में स्वयं सहायता समूह की रसोईया बच्चों को मिलावटी पुलाव खिला रही थी। मध्याह्न भोजन में मिलावट की सूचना के बाद अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने जांच की। जांच के दौरान मध्याह्न भोजन बनाने वाले कक्ष से पशुओं की चर्बी बरामद हुई। आशंका जताई जा रही है कि यही चर्बी पुलाव बनाने में तेल घी की जगह उपयोग में ली जा रही थी। खाद्य औषधि प्रशासन के अधिकारियों ने पुलाव के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं। खंडवा जिले के हरसूद रोड स्थित मुछौड़ी रैयत पंचायत के अपेठिया गांव की सरकारी स्कूल के प्रभारी प्राचार्य दुलाल मजुमदार मिलावट से होने वाले नुकसान के बारे में बोर्ड पर लिखकर दूसरी और मिडिल कक्षा के बच्चों को समझा रहे थे। इस बीच स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष सनोबाई प्राइमरी कक्षा के 40 बच्चों को मिलावटी पुलाव खिला रही थी। आरोप है कि महिला ने स्कूली बच्चों को दिए गए भोजन में तेल की जगह कुछ और पदार्थ मिलाया गया है, जिसकी शिकायत पर खाद्य औषधि प्रशासन के अधिकारी राधेश्याम गोले के एस सालंकी की टीम ग्राम अपेठिया पहुंची। अधिकारियों ने मिलावटी पुलाव का सैंपल लिया। हरसूद रोड स्थित मुछौड़ी रैयत पंचायत के अपेठिया गांव की दबंग महिला सन्नोपति मुश्ताक बिस्मिल्ला स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष है, जिसके द्वारा बच्चों को दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन में मिलावट की जा रही थी। जांच के दौरान खाद्य औषधि निरीक्षक राधेश्याम गोले और के एस सोलंकी ने महिला से पूछा कि मध्याह्न भोजन कहां बनाते हो। सन्नो ने कहा, पहले तो यही सामने वाले स्कूल के कमरे में बनाती थी, कुछ दिनों से घर पर बना रही हूँ। कुछ ही दूरी पर स्थित घर जाने के लिए अधिकारी आगे बढ़े तो सन्नो ने पैर पीछे कर लिए। उसके घर के पहले कमरे में एक भगोना भरा हुआ पुलाव रखा हुआ था। पास ही चर्बी से भरा हुआ टिफिन का डिब्बा रखा हुआ था। खाद्य निरीक्षक सोलंकी ने चर्बी वाला डिब्बा हाथ में लिया तो सन्ना ने उनका हाथ पकड़कर डिब्बा छीन लिया। पुलाव से भी अजीब महक आ रही थी। निरीक्षक ने कहा, अगर आपने तेल से पुलाव बनाया है तो चिंता न करें, सैंपल रिपोर्ट आने के बाद ही आप पर कार्रवाई करेंगे, अभी हम अपना काम कर रहे हैं। ये देखो ना, काला की रखा सामान, ये क्या है बकरा, ये है क्या है? बकरे की, मतलब बकरे की क्या है, बकरे की नमक है। बकरे की क्या है ये? बकरे की मतलब यानी वो निकाले था हमने चर्बी, ऐसा तल तल के खाते हैं। ये तुम्हारे घर का है? अरे घर का है सर, ये तो घर का है ना सर, ये कैसा कर रहा है? देखो मैं तुमको बता रहा हूँ, अरे अल्लाह हमारे घर का है ना, तुम्हारा दिमाग चल रहा सर। हाँ तो इसको रख दो, इसको रख दो ना, यहाँ पर रख दो, घर रख दो उसको, तो फिर तुम घर का रख दो, घर की चीज को भी नहीं रख दो। अभी चार्बी में मैंने सुबह घर के अंदर तल के खाए थे, तो बहुत सी हमारे घर तो रखा ला, अरे तो रख दो ना, फिर ऐसा थोड़ी होता है, तुम्हारे घर के ही उसका है ना। हाँ तो रख दो, ऐसा वही रख दो, वहाँ रख दीजिए उसको, क्या अभी साहब घर का भी खाना बना लेते हैं बैठे बैठे, ऐसा थोड़ी कि नहीं बना लेते, ऐसा थोड़ी कि नहीं, घर का नहीं बनाते, घर का बना लेते खाना। चावल आलू कहाँ से लाए? चावल आलू आप झूठ बोलो, आज जो है वो हम बताएं, झूठ नहीं बोलेंगे। यहीं पे बनाते हो? हाँ, अभी 15 दिन से बना रही हूँ, जब से ये सब सामान मिट्टी मिल के रखा। कितने बच्चों का रोज बनाते हो? 120। कितने दिन से यहाँ बना रहे? बोलते रहे 8-15 दिन से बना रहे। 8-15 दिन आपने सूचना दी विभाग को, आपने महिला बाल कई बार दे दी हमने, कई बार से कागज में लिख लिख के पहुँचा, कई बार कागज में लिख लिख के पहुँचा, वहाँ तक आवेदन दे के आए, वहाँ पानी निकल रहा है, सर मैडम को बता दिए, सर मैडम ने कहा कि काम करो इस झाड़ी झाड़ी जरा, हालांकि उन्होंने बोले थे प्लास्टिक डाल लो, तो हमने किया क्या 2-4-8 दिन में बना लेते घर ही। क्या आप भोजन बनाते हो ये मिड डे मील का? हाँ, बच्चों का? हाँ। और क्या जवाबदारी, कोई समूह होगा ना, क्या समूह का नाम क्या आपके? बिस्मिल्ला सहायता समूह। बिस्मिल्ला, आप कौन हो बिस्मिल्ला सहायता समूह के? अध्यक्ष हो? हाँ। बनाए आज हमने सर, अभी तो आज तो हमने फोन भी नहीं लगाया सर, लोग हम तो रोज फोन लगा के खाना बनाते, और आज पुलाव का दिन था, मतलब बच्चों को रोटी हमारे घर का हम लोग खाते हैं। नहीं, यहाँ तो मिड डे मील का बन रहा ना, तो मिड डे मील का बन रहा ना। हाँ, लेकिन अब हमारे घर का भी है ना सर, हमारे जैसे अब दो माँ बेटे थे, ये एक दो रोटी डाल लेते खा लेते, ऐसा ऐसा थोड़ी कि नहीं, बच्चों को क्यों खिलाएंगे। और वो तो अभी हमारी बकरीद अभी कल परसों ना 8 दिन हुए जाने को, बकरीद को क्या को झूठ बोले कि घी माँ का है, तो बकरीद खाएगा ही, क्या को झूठ बोले। खाद्य विभाग की टीम ने 4 अलग-अलग चर्बी और पुलाव के सैंपल जब्त किए। इस दौरान ग्रामीणों की भीड़ लग गई। खाद्य निरीक्षक गोले और सोलंकी पुलाव की महक सूंघने के बाद भी पहचान नहीं पाए।
उन्होंने कहा, ऐसी मिलावट पहली बार देख रहा हूँ। गौरतलब है कि 2000 की आबादी वाले अपेठिया गांव में सन्नोबाई की काफी चमक है। गांव में कुल 3 स्वयं सहायता समूह हैं। 2 स्कूल के 80 बच्चों का खाना बनाने का जिम्मा सन्नो का है। ग्रामीणों ने दबी जुबान से कहा कि सन्नो जो बना दे वही खाना पड़ता है, क्योंकि कई लोगों पर पुलिस प्रकरण दर्ज हो चुका है। एक बार तो गांव के पूर्व सरपंच के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवा दिया था। तब से सन्नो की दबंगता और बढ़ गई। वहीं मध्याह्न भोजन में मिलावट का मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने हरकत में आते हुए स्वयं सहायता समूह को भंग किया जाकर जांच आरंभ करते हुए पूरे जिले में मध्याह्न भोजन की जांच के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्रों में नियमित जांच करें। गुणवत्ता व मिलावट की शिकायतें मिल रही हैं। अपेठिया में मध्याह्न भोजन के पुलाव में मिलावट का मामला बहुत गंभीर है। मध्याह्न भोजन में चर्बी मिलाए जाने पर जिला पंचायत सीईओ रोशन कुमार सिंह ने बताया कि मिलावट की शिकायत पाए जाने के बाद मध्याह्न भोजन बनाने वाले स्व सहायता समूह को सस्पेंड कर मामले में जांच आरंभ कर दी है। कल मछूदी रैयत पंचायत में एक बिस्मिल्लाह स्व सहायता समूह के माध्यम से पता चला है कि वहाँ पे मध्याह्न भोजन में कुछ मिलावट की सूचना मिली है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सैंपल ले ली है, उसकी रिपोर्ट कब आती है हम लोग उसके चक्कर में पड़े हुए हैं, उसकी रिपोर्ट आ जाए, लेकिन तब तक हम लोगों ने अपनी कार्रवाई कर ली है। उस सहायता समूह को हटा दिया गया है वहाँ से, और जब तक नए समूह को वहाँ का कार्य नहीं दिया जाता है तब तक जो शाला समिति होती है वो वहाँ का कार्य संपादित करेंगे। दूसरा सवाल ये था कि चूंकि उस महिला के चूंकि मिलावट की बात तो सामने आ रही है, उस महिला का इंटेंशन क्या था, क्यों वो ऐसा काम कर रही थी, क्या बाजार से सस्ता पड़ रहा था, इंटेंशन क्या था, क्या वजह थी? अब इस मैटर में हम लोगों ने दल बना दिया है सीओ जनपद के नेतृत्व में। अब किस मंशा से वो कर रही थी और उसका मतलब उद्देश्य क्या है, ये सब चीज़ें उस रिपोर्ट में आ जाएंगी, लेकिन चूंकि ये अभी मामला इमीडिएट कंसर्न का है इसलिए उसको हटा दिया गया है। क्यों कर रही थी, क्या उद्देश्य था, ये जाँच के बाद पता चलेगा।